एनआईटी एग्रोटेक फूड्स और अजंता फार्मा के शेयरों में कमाई का मौका। निपोन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड ने एनआईटी में अपनी हिस्सेदारी 6.55 फीसदी के बढ़ाकर 7.38 फीसदी कर दी है। क्रिसिल ने एग्रोटेक फूड्स की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग AA बरकरार रखी है, लेकिन आउटलुक नेगेटिव से स्थिर कर दिया है। अजंता फार्मा के प्रमोटर रवि अग्रवाल ने 240,000 अतिरिक्त गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। बुधवार को इन कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। इन शेयरों में रह सकती है तेजी। मोमेंटम इंडिकेटर MACD के मुताबिक एक्सिस बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान कॉपर, HDFC, नलकास्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक, IIFL सिक्योरिटीज, MSTC, बाल्मर लॉरी, अल्ट्राटेक सीमेंट, कर्नाटका बैंक, मयूर यूनिकोटर्स, यूकल फ्यूल सिस्टम्स, उजास एनर्जी, स्टार सीमेंट, बाटा इंडिया, बजाज ऑटो, मिर्जा इंटरनेशनल, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, HDFC AMC, PI इंडस्ट्रीज, नवकर कॉरपोरेशन, टाटा कम्युनिकेशन, आंध्र पेपर, श्री कलाहस्ती पाइप्स, पनामा पेट्रोकेम, स्टर्लिंग टूल्स, जेमफेब अल्कालीज, किटेक्स गार्मेंट्स, सेंचुरी एनका, मानकशिया स्टील्स, AGC नेटवर्क्स, STL ग्लोबल, अनिक इंडस्ट्रीज, जोटा हेल्थकेयर, टेस्टी बाइट और ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी का रुख रह सकता है। इन शेयरों में रह सकती है गिरावट। मोमेंटम इंडिकेटर MACD के मुताबिक अलोक इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, PC ज्वेलर, LT फूड्स, ग्रीव्स कॉटन, कैपलिन पॉइंट, सनफ्लैग आयन, FDC, नेटको फार्मा, AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, अतुल SMS लाइफ साइंसेज इंडस्ट्रीज और VST इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट आ सकती है। मंगलवार को बाजार की चाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बाजार के दिग्गज शेयरों में तेजी के साथ मंगलवार को BSE सेंसेक्स 478 अंक के उछाल के साथ 38,528.32 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 138.25 अंक या 1.23% की बढ़त के साथ 11,385.35 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर सबसे अधिक 3% से अधिक चढ़ा। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील के शेयर भी लाभ में रहे। बाजार की बढ़त में सबसे अधिक योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक का रहा। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा, HCL टेक, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड के शेयर नुकसान में रहे। आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे। CSB बैंक, मुथूट फाइनेंस, आशापुरा मैनिकन, एशियन ग्रैनिटो इंडिया, GKB ऑप्थाल्मिक्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, कैनामेटल इंडिया, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर, रुचि सोया इंडस्ट्रीज, टाइड वाटर ऑयल और V2 रिटेल बुधवार को अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेगी। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।